दल से नहीं हूँ मैं, दिल से ही हूँ जहाँ भी हूँ। हाँ, मैं एक कविता से शुरू करूँगा, और वो इसलिए सिर्फ अपने आप को संभालने के लिए, क्योंकि ऐसी सभाओं में मैं कभी गया नहीं, मतलब ऐसी गया हूँ लेकिन यहाँ पे ऐसे एड्रेस नहीं करी है, कोई बात नहीं रखी है, तो ताकि मैं अपनी बात स्पष्ट रख सकूँ, एक भूमिका बना सकूँ आगे की बात के लिए, तो बस एक कविता से शुरू करूँगा। वो है कि मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ, बिखरे होते हैं तो बिखर जाता हूँ, निखरे होते हैं तो निखर जाता हूँ। अपनी अना अपना होना दूसरों पे नहीं जताता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। समा जो भीतर मेरे आज है वही तो मेरा समाज है, समा जो भीतर मेरे आज है वही तो मेरा समाज है। इस समा को अपने ख्यालों से बदलता जाता हूँ, इस समाज को अपनी बातों से बदलता जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। दोस्तों के संग में दोस्तों सा आज हो जाता हूँ, हवा का झोंका हूँ हवाओं में हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, अकेले होता हूँ तो खुद से हो जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। आँख बंद करूँ तो पूरा हो जाता हूँ, और आँख खोलूँ तो अधूरा हो जाता हूँ। मुलाकातों से मैं बनता जाता हूँ, इंसानों से मिलते मिलते मैं इंसान होता जाता हूँ, मैं जैसे लोग होते हैं वैसा हो जाता हूँ। मैं तीन भागों में आज की मतलब कुछ बात रखूँगा, वो है, एक तो है संविधान, समाज और सत्ता। तो एक किस्सा है, अभी हाल ही में मेरे नाना आए हुए हैं घर, बरेली में रहते हैं। अब वो क्या आए हैं, तो मैं आर्टिस्ट हूँ तो मतलब मेरा होश ही मेरा दफ्तर है, और मेरा होश अक्सर मेरे घर में पाया जाता है, तो वहाँ टीवी भी बंद होता है, अपने यहीं पे काम चलता रहता है। लेकिन वो आए हैं तो टीवी देखते हैं, तो टीवी भी आ गया है, और क्योंकि टीवी आ गया है तो टीवी के दहशतगर्दी भी घर में आ गए हैं तो घर में काफ़ी आतंक सा मचा हुआ है। अब वो तो वो हैं तो मोदी भक्त हैं, लेकिन उनकी मोदी भक्ति ने बहुत काम भी आई है उनके, मतलब बरेली में उन्होंने बहुत स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत अच्छा काम भी किया है। पर क्या है कि वही सब चलता रहता है, टीवी जब ऑन हो जाता है तो कई बार भिड़न हो गई हमारी। अब शांति भंग जो हो गई घर में, तो मैं सोचा यार मेरा घर निकाला हो रहा है यहाँ पे, मतलब मैं बैठ ही नहीं पाऊंगा, मेरे घर का मेरे काम का काम की बात है, मुझे एक शांति लानी पड़ेगी बहुत जल्दी। तो वो जब आते हैं तो अक्सर सोमवार के दिन सत्संग होती है, तो मैंने सोचा कि चलिए सत्संग तो करेंगे ही, पहली बार मैं भी शामिल होऊंगा, और वो बातें, वो गाने गाएंगे कृष्ण राम भजन के, हम संविधान की भी चर्चा करेंगे उस दिन, क्योंकि संविधान मैं मानता हूँ हमारा राष्ट्रीय धर्म है। धर्म एक तरीके से होते है कि एक रिश्ता होता है आदमी का सभ्यता के प्रति, तो अगर धर्म ये है तो मेरा धर्म मतलब संविधान बताता है, जो मेरा राष्ट्रीय धर्म संविधान बताता है। तो बेसिकली इस पे चर्चा हमने करनी शुरू करी, और उससे पहली बात तो मुझे भी लगा कि संविधान और समाज में कितने फासले हैं, बिल्कुल भी हमें मालूम नहीं है संविधान के बारे में, संविधान की ज़बान भी बड़ी अजीब सी है, या मतलब वो दिखती नहीं है ज़्यादा समाज में। तो उन सब पे बात करना शुरू हुआ, तो 1.5 घंटे बात चली, और काफ़ी कुछ हमने कॉमन ग्राउंड बनाया बेसिकली। तो जैसे मैं धर्म और प्रेम और रिश्तों पे ज़रा कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे मतलब रिश्ता एक घर होता है जहाँ प्रेम जिंदा होता है, रिश्ता एक अगर एक घर है जहाँ प्रेम जिंदा होता है, तो ये देश हमारा रिश्ता है हमारे देशवासियों से, ठीक है। तो देश प्रेम का कोई मायना ही नहीं अगर देश में प्रेम ना हो, है ना, तो मतलब वो कहाँ दिखता है आपको, मतलब आजकल कहाँ दिख रहा है, जो बात करते हैं देश प्रेम की वहाँ प्रेम तो दिखता ही नहीं, तो देश प्रेम का है कहाँ। और दूसरी चीज़ है कि मतलब क्योंकि मुझे इतने फासले दिखते हैं, मतलब मुझे तो घर में इतने फासले दिखे मेरे नाना से, मेरे बड़ों से, अक्सर वो फासले इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो हमारी आज़ादी पे रोक लगाते हैं,
कि बाहर मत जाना, ये मत करना, वो मत करना, तभी वो फासले आ गए। लेकिन जब हमारे आदर्श अगर संवैधानिक वाले हैं तो क्या हम उनको लेकर एक कॉमन ग्राउंड बना सकते हैं, हम और करीब आ सकते हैं? मतलब गरीब शब्द जो है वो गरीब से आता है, अरबिक शब्द है, उसका मतलब होता है पराया, तो और उसका विपरीत होता है गरीब। तो भारत अगर गरीब देश है तो ज़रूर बहुत पराया देश भी है। हैं, हम जानते नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, हम अपने घर में रहते हैं अक्सर, लेकिन हमें वो करीब, हमें और करीब आना होगा इन सब चीज़ों को लेकर। तो दो बातें हैं कि तो हम संविधान को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं समाज को बड़ा करने में, समाज को, समाज में विकास लाने के लिए। पहले खुद को बदलें, फिर समाज बदलेगा ज़रूर ज़रूर। और दो बातें और आती हैं कि समाज को अगर हम, क्योंकि समाज ज़मीन है जहाँ से हमें कुछ काम करना होगा। दो बातें आती हैं इतिहास, एक इतिहास को लेकर आती है कि मुझे लगता है इतिहास अभी तक बीत रहा है वो बीत क्यों नहीं जाता है? अक्सर ये सवाल मेरे जहन में आता है कि इतिहास तो अभी तक बीत रहा है तो बीत क्यों नहीं जाता? ज़रूर कोई बातें हैं, कुछ बातें हैं जो अभी तक जिंदा हैं, जिनका अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। तो कुछ काम जो कभी हुआ था उसकी उम्र नहीं हुई, वो अभी तक इतिहास है। और इतिहास के दो पहलू नज़र आते हैं, एक संस्कृति और एक न्याय। कि संस्कृति यानी जो प्रभावित करती है, न्याय जहाँ पे आपको नज़र देना ज़रूरी है ताकि वो न्याय हो सके। तभी हिंदू संस्कृति की जो बातें होती हैं, बहुत बड़ी संस्कृति है, ज़रूर उस पर ध्यान करना ज़रूरी है, उससे सीख लेना बहुत ज़रूरी है। और एक न्याय की, इन दोनों पे भी हमें बहुत एम्फेसिस करना पड़ेगा ताकि हम आगे मतलब चीज़ें सॉल्व कर सकें। और आखिरी बात जो है सत्ता की, वो मुझे एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो आजकल का माहौल चल रहा है और जो इसकी वजह से सब लोग इकट्ठा भी हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वैसे मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मिडिल क्लास, मेरा दोस्त बहुत फनीली बोलता है कि मिडिल क्लास इज़ द मोस्ट सेसेशनिस्ट सेक्शन ऑफ इंडिया। उसका तर्क यह है कि हम जब बड़े हुए तो हमारी परवरिश जब जैसे हुई, ऐसा बोला गया कि कोई सरकार पे कभी डिपेंडेंट मत रहो, सरकार से कोई वास्ता मत रखो, खुद इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो हमने कभी सरकार और देश से, हम एक तरीके से कट गए। तो हमने कभी सोचा नहीं, ये मेरे अंदर तब शुरू हुआ था जब मैं IIT में था और प्रोफेशनलिज्म की बातें जब चल रही थी कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है वगैरह वगैरह। आज का हाल मुझे ऐसे लगता है, इसको चार पंक्तियों में ऐसे बताता हूँ कि जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि हम चीख रहे हैं बात, हम चीख रहे हैं जान अपनी तुम कहते हो कि शोर है। मतलब हम चीख रहे हैं जान अपनी तुम कहते हो कि शोर है, हम बात करना चाहते वहाँ बाजुओं का जोर है। दिखती हमको भी हकीकत, खबरें कहती कुछ और हैं, वो जुल्म ढा रहे यहाँ, इल्जामात भी हमारे और हैं। तो ये मुझे महसूस हो रहा है आजकल। और तो इसको हम, मेरा मन करता है कि संवाद किया जाए, सत्ता वाले लोगों से भी संवाद किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, वो जगह कहाँ है? तो ज़रूर सड़क पे आना पड़ता है, आवाज़ ऊंची करनी पड़ती है ताकि कहीं ना कहीं कोई सुन सके। और पहले मुझे ये भी लगता था कि कोई बिल आ गया तो हल्ला हो रहा है बाहर, भाई किस बात का हल्ला हो रहा है, तो थोड़ा बिल के बारे में पढ़ लें। तो बिल को पढ़ने जाते थे तो उसके बारे में कहीं पढ़ ही नहीं पाते थे या फुर्सत नहीं थी। ऐसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, मतलब मैं सोचा था कि ओपिनियन बनाने के लिए शायद पढ़ना ज़रूरी होगा, दो तीन दस कई बार ऐसा हुआ। फिर मुझे लगने लगा शायद मेरी गलती नहीं है इतनी कि मैं ओपिनियन नहीं बना पा रहा हूँ। मतलब कोई भी नीति जो लागू की गई है वो आप पूरी तरह से तो कभी जान ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की नीयत तो समझ सकते हैं। मतलब नीयत से ही तो नीति बनती है, मतलब नीयत के लिए तो पढ़ लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो इंसान होना ही ज़रूरी है ना? तो नीयत, और आजकल के जो मतलब इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं या मतलब जो ज्ञानी दहशतगर्द हैं, जो बोलते रहते हैं कि भैया आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो ये इससे हमें खुद भी बचना चाहिए। भाई नीयत भी तो कोई बात होती है। तो वो मुझे लगता है वो नीयत जो मुझे अभी तक समझ में आई है वो तो मुझे नहीं मंजूर है, वो इंसानियत जैसी तो नहीं लगती है। और अगर है, वो कहते हैं, दावा करते हैं, तो बात करने आए और कहीं ना कहीं ये शुरू हो।
और जो लोग बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, शांति ऐसे नहीं बनती है ना, मतलब शांति संवाद से ही बनती है। शांति और चुप होने में फर्क है। अगर आप चुप हैं तो चुप होना मतलब बात चबाना होता है, अलग हो जाना होता है, और शांति होता है संवाद करना और साथ बनाना, साथ कमाना, और ये बार बार करना पड़ता है। तो अगर उन्होंने शांति भंग करी है तो हम तो एक कदम ले ही रहे हैं, उनको भी लेना पड़ेगा कहीं जाके ताकि ये हो सके, और अगर नहीं होगा तो हमें फिर अपनी कौम को बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आगे का जो पॉलिटिकल रास्ता है, क्योंकि इसके बहुत चर्चा हो रही है इर्द गिर्द हर जगह, हम सब तंग आ गए हैं, कोई कोई ऑपोजिशन दिखता नहीं है कि जो यहाँ पे कुछ कर सके। तो मुझे लगता है कि एक नई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो यूनाइट कर सके हम सबको, उसका पैदा होना ज़रूरी है, या रिसर्फेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम एक साथ हो सकें। और ये चीज़ मुझे ऐसी बैठकों से लगता है, या और चर्चाओं से मुझे लगता है कि आएगी, पूरे भारत भर करनी होगी, तब जाके कुछ ऐसे नज़र आएगा, और पॉसिबली एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव नहीं भी बने, पार्टी भी नहीं बने, लेकिन उस आइडियोलॉजी का आना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अडॉप्ट भी करी जा सके। आज वो हमें उतनी महसूस नहीं होती, हम पीछे देखते हैं कि अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, गांधी जी ने क्या कहा, कम से कम वही पढ़ लें या जान लें या बात कर लें, देख लें क्या महसूस हो रहा है। तो मुझे, मैं इस बात को यहीं पे रेस्ट करना चाहता हूँ, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसे ही सभाओं से आएगी। तो मैं भी इसी वजह से आज टूटा फूटा अपने ख्यालों को शेयर करने आया था, और सबको सुनने आया था, सबके साथ होने आया था। ठीक है, असीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया।